स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टेंथ आरबीएससी का एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट को चालू करें उससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय चेंजेस। हमारे आसपास जो भी है उसमें किसी न किसी तरह का चेंजेस होता रहता है। अब ये चेंजेस कभी उसकी स्टेट में होता है, कभी उसके वॉल्यूम में, डेंसिटी, कलर, टेक्सचर, या कई बार उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और भी कई सारे तरह के चेंजेस आते हैं। आखिर में इन चेंजेस को हम समझें कैसे, चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक में। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें भी चेंजेस हो रहा है, इन चेंजेस को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस, और दूसरे चेंजेस जो आते हैं वो हैं हमारे केमिकल चेंजेस। चलो बात करते हैं इन दोनों। फिजिकल चेंजेस, जब भी कभी किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज हो लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, तो इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। अब फिजिकल चेंजेस के दौरान आखिर में चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंजेस में फिजिकल स्टेट, कलर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेक्सचर, इस तरह के चेंजेस होते हैं, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सभी टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ कि अगर इनको चेंज करने वाले फैक्टर को हटा दिया जाए तो ये वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ सकते हैं। इस वजह से ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए सिर्फ चार मेन पॉइंट्स को आपको फोकस करना होता है। पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के होंगे। सेकंड पॉइंट, ना तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा और ना ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस होने वाला है। थर्ड पॉइंट, ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। चलिए इनको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक आइस क्यूब था, मैंने उसको फ्रीज से निकाल कर नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में या रूम में रख दिया। थोड़े समय बाद वो वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहा है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, और हाँ ऐसा ही यहाँ पे भी है। मेरे पास जो आइस था उसका फॉर्मूला अगर देखा जाए वाटर का तो H2O ही था, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब भी यहाँ पर H2O ही रहा। इसका मतलब कोई नया केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनता, सिर्फ चेंज किस में हुआ, फिजिकल स्टेट में। अगर मैं इसको वापस से ठंडा कर दूं तो क्या ये वापस वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शायद आप कहेंगे कि हाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये परमानेंट भी नहीं है और ये रिवर्सिबल होते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। चलिए बात करते हैं ड्राई आइस की। नाम सुना होगा ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को जब काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड और कूल कर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इसको ओपन में रखा जाता है ये वापस से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वापस गैस में बदल जाएगा। लेकिन गैस में बदलने के बाद भी रहेगा तो वो CO2 ही। चलिए और कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम गौर करें। क्या हो अगर कोई आपके विंडो का ग्लास ब्रेक कर दे किसी बॉल या पत्थर की मार के, वहाँ गौर करें आप, गुस्सा तो आएगा, लेकिन अभी हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें फिजिकल चेंजेस को समझना है। तो अगर कांच ब्रेकअप होता है, ग्लास ब्रेकअप होता है, तो क्या हुआ वहाँ पर, वहाँ कांच टूटने के बाद भी कांच ही रहा है, ग्लास टूटने के बाद भी ग्लास ही रहा,
बस अंतर क्या आया कि वो पहले बड़ी साइज का था और अब कैसा हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। चलिए और भी कई सारे चेंजेस की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है नेफ्थलीन बॉल्स का। नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी, टॉयलेट्स में यूज़ की जाती है, वुलन गारमेंट्स को जब रखा जाता है तो उनमें रखी जाती है ताकि इनमें किसी भी तरह के जर्म्स ग्रोथ ना कर पाए। इसको जब आप खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद ये वेपराइज हो जाती है और उड़ जाती है। यहाँ पे भी जो चेंजेस हुए हैं वो स्टेट में ही चेंजेस हुए हैं। तो कई जगह पर चेंजेस कलर में भी होते हैं, शेप के भी होते हैं, साइज के भी होते हैं, वॉल्यूम के भी होते हैं, और भी कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हमें चेंज दिखाई देता है। तो आई होप कि आप लोगों को फिजिकल चेंजेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस, अब इनमें क्या होता होगा यार? केमिकल चेंजेस में अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, सही सुना आपने। पहले फिजिकल चेंजेस में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने कहा था कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है, जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ चेंजेस करना है तो फिजिकल स्टेट में चेंजेस कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर लो। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज अलाउ नहीं था, लेकिन हमारे केमिकल चेंजेस में ये अलाउ है। क्योंकि केमिकल चेंजेस में होता ही यही है कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म, और न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म होती है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, और इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम आगे केमिकल रिएक्शंस के नाम से पढ़ते हैं। अब ये केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो ये केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सट्रेट था जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं वो प्रोडक्ट में तो चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंजेस नहीं होता अगर उसको चेंजिंग करने वाले फैक्टर को वापस लगा दिया जाए तो। यानी कि ये चेंजेस जो होते हैं वो आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं और इनमें बदलाव कर पाना संभव नहीं है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अब बात करें फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज में आपने कहा था कि यहाँ पर मुझे चेंज इन स्टेट, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन कलर दिखाई देते हैं। वैसे ही केमिकल चेंजेस जब होते हैं तब भी आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इस तरह के बदलाव आपको दिखाई देते हैं जब केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट से बनते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाएगा, और प्रोडक्ट में भी अगर ऐसा ही है तो वहाँ पर भी लगा दिया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन में एक बात अगर आपने फर्स्ट लाइन में सुनी हो तो हमने कहा न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो क्या जो नया सब्सटेंस बना है वो एकदम डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से? तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको समझना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे कहता है कि मास नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के मास में कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी कि जितना आपने मास लिया है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में भी उतना ही रहेगा। तो आखिर में बदलाव हुआ किस में? वो बदलाव हुआ है कि यहाँ पर एटम रीअरेंज हो जाते हैं, यानी कि अपने अरेंजमेंट में चेंजेस कर देते हैं जिससे हमें नए प्रोडक्ट मिल जाते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जांपल के मार्फत देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे, तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जानते होंगे आप, जिसको हम चूना कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म करता हूँ तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इसको 100 ग्राम लेके गरम करता हूँ
और गर्म करने के बाद तोलता हूँ या वेट करता हूँ तो मुझे सिर्फ 56 ग्राम ही मिलने वाला है, बाकी 44 ग्राम गया कहाँ पे। तो बात तो यही थी कि जितना आपने मास लिया है उतना ही आपको मास मिलना चाहिए था, तो 44 ग्राम गया कहाँ? गया कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है। ये 44 ग्राम का जो डिफरेंस आया आपका, वो दरअसल CO2 के फॉर्म में निकल गया है। लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो 56 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास वापस मास उतना ही आता है जितना आप स्टार्टिंग में लिया था, यानी कि वापस हो जाता है ये आपका 100 ग्राम। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के मार्फत हम केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, केमिकल चेंजेस को समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल बर्न होते समय उसमें से धुआं निकलता है, CO2 गैस, वाटर वेपर, लाइट, हीट, ये सभी निकलते हैं और धीरे 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 कैंडल पूरा ख़त्म हो जाता है। आखिर में वैक्स गया कहाँ? वैक्स कहीं नहीं गया, वैक्स में केमिकल चेंजेस हुए जिससे कि नए सब्सटेंस बन गए और नए सब्सटेंस बन के वो अपने फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह के अगर हम दूसरे को एग्जांपल देखें तो अगर आप देखेंगे कि आप खाना खाते हैं और खाना खाकर जैसे ही वो आपके डाइजेशन सिस्टम में जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी उसको सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है जिसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर भी अगर आप नज़र मारेंगे तो शायद यहाँ पर होने वाले चेंजेस भी आपके केमिकल चेंजेस के। अगर मैं और कोई एग्जांपल लूँ आपके साथ तो मेरे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड जब आप दूध में मिल्क में फर्मेंटेशन कराते हैं, बैक्टीरिया कल्चर डालते हैं या दही डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। क्या दही को वापस दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हो तो अलग बात है, नहीं कर पाएंगे आप भी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस जो हुए हैं वो परमानेंट हैं, इरिवर्सिबल हैं। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ बना है, इसका मतलब ये कौन से चेंजेस हैं? करेक्ट, ये केमिकल चेंजेस हैं। चलिए, कहीं पे भी आपने बर्निंग वाले केसेस देखे, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोल, LPG, CNG या किसी भी चीज़ को जब आप जलाते हैं तो जलाने पर वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? मेटल्स को जलाते हैं तो वो अपने ऑक्साइड कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी बनती है। आप जलने के बाद रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते, यानी कि ये भी परमानेंट हैं, इरिवर्सिबल हैं, और जो परमानेंट इरिवर्सिबल हैं जिनमें नए सब्सटेंस बने हैं वो सभी आपके कौन से चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस। चलिए, यह बात हो गई हमारी केमिकल चेंजेस की। अब केमिकल चेंजेस को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को जानना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। स्टे ट्यून्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह के वीडियो में आपके सामने और लाता रहूं। थैंक यू।